दिवस के प्रवचन में श्री राम कथा में आपने ये श्रवण किया था, संशय दूर करो। संशय के कारण ही आज परेशानियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक लोभ है और लोभी व्यक्ति के जीवन में संशय सबसे ज्यादा रहता है। क्यों भाई? लोभी व्यक्ति के जीवन, इतना क्रोधी के जीवन में संशय नहीं होता है, कामी के जीवन में भी इतना बड़ा संशय नहीं है जितना बड़ा संशय लोभी के जीवन। अन्यथा मत लेना। माताओं, एक छोटा सा उदाहरण है। घर में बहू आती है तो सास रसोई में प्रवेश तो करा देती है बहू को, लेकिन जिसमें घी दूध शक्कर ये सब रखा है उसकी चाबी अपने पास रखती है। वो कहती है जब जरूरत पड़े तब मांग लेना, मैं निकाल के दे। क्यों? उसके मन में ये संशय है कि ये सारा खा ना जाए, पूरा ना खा जाए। अरे कैसे खाएगी वो? मात्रा में ही कोई भी आहार विहार होता है, वो मात्रा में ही होता है। लेकिन नहीं, इस बात का संशय है। खैर, नरसिंहपुर में नहीं है, हम तो और जगह की बात कर रहे हैं। नहीं, कल से तुम कथा सुनने नहीं आओगे। स्वामी जी ने हमारे लिए ऐसा क्यों कहा? नरसिंहपुर में तो सासें बहुओं से बहुत प्यार करती है। अब ये रिपोर्ट बहुएं दे सकती हैं कि कितना प्यार करती हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि आप बहुत प्यार से बहुओं को रखती हैं, रखना चाहिए। आपको भगवान के घर जाना है और बहू को घर चलाना है। बोलो भाई, यही अर्थ निकला कि नहीं सास बहू का? सास का अर्थ है कि भगवान के घर जाना है और बहू का अर्थ है कि घर को चलाना है। जिसे घर को चलाना है उसे समझाना है, उस पर संशय नहीं करना। सास का अर्थ क्या है कि बहू को समझाना है लेकिन संशय नहीं करना है। इतना अच्छा घर चलेगा जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोभ के कारण विडंबना होती है। कहें कि लोभ विडंबना कीन न ये संसार। लोभ ने विडंबना की है, इसलिए विडंबनाओं से बचना है और लोभ की प्रवृत्ति से दूर होना है। अयोध्या में लोभ आया और लोभ ने मंथरा को प्रभावित कर दिया और मंथरा ने केकई में संशय व्याप्त कर दिया। बोलो भाई, किया कि नहीं किया? यही संशय। भरत बंदी गृह से ये संशय। राम अगर राजा बन जाएंगे तो आपका बेटा भरत कारागार में रहेगा, बंदी गृह में रहेगा। बोलो, ये संशय है कि नहीं? ये संशय है। ऐसा क्या राम जी कर सकते हैं बोलो कि भरत को जेल में डाल दें, कारागार में डाल दें? लेकिन मंथरा ये बात कह रही है, बोलो ये संशय पैदा कर रही है कि नहीं? संशय पैदा कर रही है मंथरा। इसलिए संशय को दूर करना है और जिस घर में रामायण रोज पढ़ी जाएगी उस घर में संशय नहीं रहेगा।
इसलिए रामायण केवल घर में एक को ही नहीं पढ़ना चाहिए, जितने सदस्य हैं उन सभी को पढ़ना चाहिए। अब तो इतनी अच्छी सुविधा है कि मोबाइल में रामायण, सबके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर रामायण है। बोलो है कि नहीं? आप यात्रा में भी हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, नियम पूरा कर सकते हैं। वैसे तो रामायण रखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी थैले से, तब आप पढ़ेंगे, लेकिन मोबाइल तो जेब में पड़ा हुआ है, आपने निकाला, बस वाणी से कहना है रामचरितमानस बालकांड, बालकांड आ गया, जिस कांड की आप डिमांड पढ़ लीजिए। यद्यपि ग्रंथ उठाकर के श्रद्धान्वित होकर पढ़ना एक अलग बात है, ये ग्रंथ है, लेकिन मोबाइल विकल्प है। क्या है? ही आज्ञा बेटा बेटी ने स्वीकार कर ली तो बाप बेटे का संशय दूर हो जाएगा, माँ बेटी का संशय दूर हो जाएगा, सास बहू का संशय दूर हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का संशय दूर हो जाएगा, मानव मात्र का संशय दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जनप्रिय है रामचरितमानस। इसलिए आज हम सब मानस से शिक्षा लेने जा रहे हैं कि संशय को दूर करना है। राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुन कर तारी, संशय भी हमको उड़ा बनहारी, संशय भी हमको उड़ा बनहारी, संशय भी हमको उड़ा बनहारी, संशय राम कथा ही संशय को दूर कर सकती है। सती जी का संशय राम कथा दूर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं कथा, इसलिए संशय दूर नहीं हुआ। लेकिन पार्वती जी ने कथा सुनी तो संशय आया ही नहीं, संशय ही नहीं आया, और वो जगत जननी बन गई। हनुमान जी ने कथा सुनी, उनके जीवन में संशय आया ही। और छोड़िए, भगवान राम ने कथा सुनी, वेद पुराण वशिष्ठ वखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने, और जनकपुर में कहत कथा इतिहास पुरानी, रुच रजनी युग जामशरा। श्री राम संशय को दूर करते हैं, संशय तो आ ही नहीं सकता उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने भी कथा सुनी, इसलिए कथा सुनी सुननी चाहिए। और कथा सुनने की परंपरा ये अनादि काल से है, ऐसा नहीं कि ये कलयुग में कथा बनाई गई हो, कलयुग में परंपरा डाली गई हो, अनादिकालीन परंपरा है। संशय जिस घर में आ जाएगा वो घर घर नहीं रहेगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में संशय आ जाएगा वो जिंदा जीते जी सौ के समान माना जाएगा, भले ही जिंदा हो। संशय के कारण वो व्यक्ति मृतक समान। इसलिए अयोध्या में संशय आया
तो पूरी अयोध्या श्मशान हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? पूरी अयोध्या श्मशान हो गई। और संशय आया तो राम जी चले गए। बोलो चले गए कि नहीं? चले गए, आए थे। कितनी तपस्या की थी महाराज दशरथ ने मनु के रूप में, उस तपस्या के प्रभाव से श्री राम आए थे, लेकिन एक दिन के संशय ने राम को अयोध्या से दूर कर दिया, और एक दिन के संशय ने ही पूरी अयोध्या को श्मशान बना दिया। घर मसान जन पर जन भूता, 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 अयोध्या श्मशान हो गई। अयोध्या थी कैसी? अयोध्या थी मंगल की खदान, लेकिन यह श्मशान बन गई। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। मंगल की खदान थी अयोध्या, लेकिन संशय के कारण अमंगल ही अमंगल छा गया। सोचो जरा, अयोध्या जैसा तीर्थ जो सप्तपुरियों में प्रमुख पुरी मानी जाती है अयोध्या, लेकिन ऐसी अयोध्या श्मशान बन गई और अमंगल की खदान बन गई। जहां मंगल की खदान थी अमंगल आ गया। विचारवान श्रोताओं विचार करो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में मंगल हो। बोलो चाहता है कि नहीं? हमारे घर में क्या हो? मंगल हो। इसलिए तो आप देवताओं का स्मरण करते हो, साधु संतों को बुलाते हो, यज्ञ कराते हो, धार्मिक अनुष्ठान कराते हो, देवी देवताओं को पूजते हो, मठ मंदिर बनवाते हो, तीर्थाटन करते हो, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, गौ पूजन गुरु पूजन करते हो, किसके लिए करते हो? हमारे घर में क्या आवे? मंगल आवे। लेकिन अयोध्या में तो मंगल की खदान है। जैसे कोयले की खदान में कोयला भरा रहता है, हीरे की खदान में हीरे भरे रहते हैं, पत्थरों की खदान में विभिन्न प्रकार के पत्थर भरे रहते हैं, लेकिन अयोध्या में हीरे मोती नहीं, अयोध्या में तो मंगल भरा हुआ है, मंगल की खदान। लेकिन अमंगल आ गया। किसके कारण आया है अमंगल? संशय के कारण आया। और ये संशय किसने पैदा किया है? मंथरा ने। किसके कारण किया है? लोभ के कारण। उसके मन में ऐसा आया कि मैं चेरी के कई खेल। मंथरा कहती है कि मैं दासी कौशल्या की नहीं हूं, मैं दासी किसकी हूं? केकई की हूं दासी, और अयोध्या की दासी नहीं हूं, कश्मीर से आई हूं। अरे अयोध्या की दासी होती तो ये सोचती कि अयोध्या में गड़बड़ी ना आ जावे, अयोध्या बदनाम ना हो जावे। नहीं, वो कश्मीर से आई है। उसके मन में लोभ है कि मेरी महारानी का बेटा जिसकी मैं दासी हूं, अगर वो राजा बन जाएगा तो मेरा वेतन बढ़ जाएगा।
क्यों भाई? वेतन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्या गया उसके मन में बोलो भाई? लोभ आ गया, और लोभ आया तो उसने जाके संशय पैदा कर दिया। कद्रु बिन तहि दीन, दुख तुमहि कौशला दे। ओ भरत बंद ग्रह से हैं लखन राम के। ऐसी कद्रु वनिता की कथा सुनाई। बोलो भाई, प्रयास किया उसने संशय पैदा करने के लिए, पूरी ताकत लगा दी और केकई जी को प्रभावित कर दिया। सावधान, जो केकई श्री राम से प्रेम करती थी, उस केकई ने क्रोध को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार किया? क्रोध को। मंथरा लोभ लेकर के गई और संशय जैसे ही पैदा किया तो केकई में क्या आ गया? क्रोध। बोलो आ गया कि नहीं? क्रोध आ गया। और जैसे ही केकई में क्रोध आया तो क्रोध ने काम को बुला लिया, महाराज दशरथ को, हाजिर हो जाओ। बोलो भाई, दशरथ जी महाराज जैसे ही केकई जी के पास पहुंचे तो वहां क्या आ गया? काम आ गया। बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? ये विकार आने लगे क्योंकि कहीं की लोभ विडंबना की नहीं है संसार। बहुत सावधानी से जीवन जीना है। सामान्य स्थिति में सामान्य विचारों से घर नहीं चल सकता है। अपने विचारों को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा घर चलेगा। जब तक तुम अपने विचारों को सत्संग से नहीं जोड़ोगे, अपने विचारों को तुलसीकृत रामचरितमानस से नहीं जोड़ोगे और किसी गुरु की वाणी से राम कथा नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब व्यवहार नहीं बदलेगा तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बदलेगा, याद रखना। इसलिए सुंदर व्यवहार बनाने के लिए हमें राम के चरित्र को सुनना पड़ेगा और राम के चरित्र पर चलना पड़ेगा। तो हमारा घर में, पड़ोसियों में, गांव में सुंदर व्यवहार हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राम जैसा व्यवहार, राम का व्यवहार। शत्रु भी श्री राम की प्रशंसा करता है। को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवारण हारा, अस स्वभाव कहाँ सुनेऊ न देखेऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। याद रखना, ये खग जो है, खग संस्कृति और पशु संस्कृति, इन खगों की भाषाओं को, पशुओं की भाषाओं को मनुष्य नहीं समझ पाता है और मनुष्य की भाषा पशु पक्षी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन याद रखना, श्री राम के व्यवहार और राम की वाणी को पशु पक्षियों ने भी समझ लिया। बोलो, समझ लिया कि नहीं? और आपको बात बतावे, श्री राम के व्यवहार को विषधरों ने भी समझ लिया। जिन्हीं निरख मग सांपिन बीछी, जिन्हीं निरख सांपिन बीछी।
तजहि विषम विष तामस तीछी तजहि विषम विष तामस तीछी तजहि विषम विष तामस तीछी तजहि विषम विष पशुओं के लिए जासु वियोग विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु जासु वियोग विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु ऐसे विषधर ये कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे सर्प क्या है, एक कीड़ा मानते हो ना सर्प को, आप क्या मानते हो, पशु मानते हो कि पक्षी मानते हो, कीड़ा मानते हो, ये कीड़ा है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्यों की तो बात हो, ये श्री राम के व्यवहार को समझते हैं और श्री राम की वाणी को भी समझते हैं। कारण क्या है, क्योंकि राम के जीवन में संशय नहीं है। क्या नहीं है, संशय नहीं है। इसलिए संशय नहीं है तो राम जनप्रिय राम है। हर योनि में जो भी पैदा हुआ है उसके भी प्रिय राम है। बोलो है कि नहीं, यहां तक कि कीड़े मकूड़ों के भी प्रिय राम। विषैले जीव जंतुओं के राम है, सभी के राम। आप तो मनुष्य हो, संशय के कारण आपके अंदर विष भर चुका है। किसके कारण विष भर गया है, बोलो, संशय के कारण विष भर गया है। इसलिए वाणी से अमृत नहीं निकल रहा है, विष निकल रहा है, जहर उगल रहे हो। किसके कारण जहर उगल रहे हो, संशय के कारण। अगर किसी के प्रति संशय हो जाता है तो अनर्गल प्रलाप करने लगते हो, क्यों करने लगते हो, बोलो। हम तुम्हें जानते हैं, तुम क्या हो, सब जानकारी मुझे मिल गई तुम्हारे बारे में। और याद रखना, बचते रहना, मौका आदि मिल गया मुझे तो छोड़ूंगा नहीं। बोलो, ये अमृत उगल रहे हो कि विष उगल रहे हो, क्या उगल रहे हो, ये विष ही तो उगल रहे हो। अरे भैया, तुमने केवल दूसरे ने तुम्हारे कान भर दिए और संशय पैदा हो गया तुम्हें और तुम जहर उगलने लगे हो। अरे कम से कम प्रथम दृष्टिया संवाद तो करो, यदि संवाद से समाधान ना हो तब विवाद करना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टिया यदि आपने सुन लिया है किसी के बारे में और किसी ने संशय पैदा कर दिया है तो विवाद नहीं करना है, पहले संवाद करना है, बातचीत करनी है। यदि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होता है तब विवाद की स्थिति बनती है। पहले क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो, संशय को दूर करने के लिए संवाद करना चाहिए। और संवाद रामचरितमानस में संवाद ही संवाद है। अब सूची निकाल के देख लीजिए, आप सूची निकाल के पढ़िए तो संवाद ही संवाद है। अच्छा एक बात बताओ, रामायण की सूची में कहीं ये लिखा हो फलाने फलाने का विवाह, बोलो लिखा हो विवाद तो बताओ, लिखा है क्या विवाद, संवाद। यहां तक वर्णन आता है कि अंगद रावण संवाद, अंगद रावण संवाद। बोलो है संवाद कि नहीं,
नहीं तो वहां लिख दिया जाता अंगद रावण विवाद, अंगद रावण का विवाद हुआ, नहीं संवाद, संवाद। पूरी सूची पढ़ जाइए आप, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड की मानस की सूची पढ़ो, उसमें लिखा है संवाद 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 संवाद। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और पहले संवाद करो, यदि समाधान ना हो तब विवाद करो। पहले संवाद करना है। आज क्रोध के कारण केकई जी ने संवाद नहीं किया है महाराज दशरथ, क्योंकि संशय भर दिया गया और संशय से क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तो संवाद नहीं किया, जबकि दशरथ जी ने संवाद करने की कोशिश की। ठीक ही नहीं, सुनिए ना, मैं संशय पर बोल रहा हूं और